नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां तैबरपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर खास गांव में शादी की सालगिरह मना रहे लोगों पर नशे में धुत पिकअप सवार ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई है तो वही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि तैबरपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर खास गांव में राम समोच के यहाँ शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी। वहीं पास में एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी और वहीं पर लोग पार्टी करके बैठे थे। अचानक पिकअप का ड्राइवर गाड़ी चालू करके उन लोगों के ऊपर चढ़ा दिया और पिकअप लेकर निकल गया। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्या वो जानबूझकर चढ़ाया है या वो भी नशे में धुत था, इन सब बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। गांव के पूर्व प्रधान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या है गाँव के पूर्व प्रधान? ये घटना कैसे घटित हुई, क्या है मामला इसका? घटना असल में यहाँ शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। जी, किन के यहाँ? राम समुझ के। जी, पिकअप यही खड़ी थी। जी, लोग खा पी के अपना बैठे थे। जी, पिकअप एक बैग स्टार्ट किया। जी, और चढ़ाते हुए चला गया। इसमें कितने लोगों की मौत है? 3 लोग की मौत हो गई है। जी, कितने घायल हैं? 3 लोग घायल हैं। मृतक में कौन कौन लोग मरे हैं, जरा सुना मतलब? मृतक में मरे हैं राम समुझ राम जी और हरिराम सनात मित्र जी और एक हरिराम का लड़का है अंगद जी। घायल में? घायल में वंदना जी और भूमि जी और अर्जुन जी सनात शंकर जी। ये किस गांव का मामला है? ईश्वरपुर खास। यहाँ मौके पर कौन कौन अधिकारी कोई आया था कि नहीं? मौके पे इसे शुरू में तो एम्बुलेंस आई जी, फिर उसके बाद जो है रात में जब जानकारी हुई जी पुलिस को जी तो सब लोग आए थे। टाइम भी देख ही रहे हैं आप, सब लोग आए हैं मौके जी। ठीक, थैंक यू। किस गांव का मामला है? ईश्वरपुर खास का। थाना कौन सा है? तैबरपुर।